Hello students, today we are going to start our new subject drawing. आपने previous class में भी drawing की है, but आपने previous class में कौन से colors use किए थे? Sketch colors. Now we will use watercolor. आपको school से poster colors मिले होंगे जिन्हें आपको drawing बनाने में use करना है. आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग में वाटर कलर्स फिल कर सकते हैं और वाटर कलर फिल करने से पहले हमें किन किन चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए. फर्स्ट, हमारे पास वाटर कलर्स होने चाहिए. सेकेंड, एक बोल होना चाहिए जिसमें हम वाटर फिल कर सकें. अब जब हमें वाटर कलर फिल करने हैं तो हमें वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी. वाटर कलर होने चाहिए, एक बोल होना चाहिए जिसमें हम वाटर को फिल कर सकें. और आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसमें अगर हमें कोई कलर बनाना पड़े, कोई कलर हमें मिक्स करके बनाना पड़े, तो हम उस प्लेट में उस कलर को मिक्स करके बना सकते हैं. और साथ के साथ एक आपके पास वेस्ट क्लॉथ, कोई भी बेकार कपड़ा होना चाहिए जिससे आप अपने ब्रशेस को या आपके हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप उनसे अपने हाथ को क्लीन कर सकें, पोंछ सकें. एंड सम ब्रशेस टू फिल वाटर कलर, आपके पास कुछ ब्रशेस होने चाहिए जिसके थ्रू हम वाटर कलर फिल कर सकें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, इसमें आपको वाटर कलर फिल करने हैं. नीड सम वाटर विच वी विल टेक इन बोल. हम बोल में कुछ पानी ले लेंगे जो हमें पेंटिंग करने में यूज होगा. अब हमें बनाना है ये कलर, तो इस कलर को बनाने के लिए हम थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे. तो आप अपने पोस्टर कलर्स खोलिए और उसमें से ब्लू कलर निकालिए. हमने थोड़ा सा क्या लिया, ब्लू कलर. आपको बहुत थोड़ा सा कलर ही बनाना होता है, ज़्यादा कलर बनाने की ज़रूरत नहीं है. जितने एरिया में आपको फिल करना है केवल आपको उतना ही कलर बनाना है. तो मैंने ब्लू कलर लिया. नेक्स्ट में वाइट कलर लूँगी. वाइट कलर लेने से पहले मैं ब्लू कलर को ब्रश को पानी में अच्छे से साफ कर लूँगी. ये नहीं कि आप उसी से ब्लू कलर से ही आप वाइट कलर में भी अपना ब्रश टिप कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, आपके कलर्स खराब होंगे. अब हम वाइट कलर लेंगे. वाइट कलर, थोड़ा सा वाइट कलर निकालेंगे और ब्लू कलर में वाइट कलर को मिक्स करेंगे. लिया मैंने वाइट कलर एंड इसको ब्लू कलर में थोड़ा सा मिक्स कर दिया. अभी आपको ये लग रहा है ये कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लग रहा है ना डार्क, तो हम इसमें ब्रश को अच्छे से धोकर दोबारा से वाइट कलर और देंगे. आपको अपने कलर्स बिल्कुल भी खराब नहीं करने हैं कि एक कलर दूसरे कलर में मिक्स होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये आपका कलर बन गया. अगर आपको कोई कलर कम डार्क या फिर लाइट लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें और कलर मिक्स कर सकते हैं. ऐसे मुझे ये कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर और मिक्स कर रही हूँ. ब्लू कलर मैंने मिक्स किया. Now this is a required color which we will make in cap. ये कलर है जिसे हम अपनी कैप में फिल करेंगे. इस नाउ फिल करने से पहले, हम वाटर कलर फिल करने से पहले जिस एरिया में हमें उस कलर को फिल करना है पहले हम उस एरिया को आउटलाइन करेंगे. क्या करेंगे, आउटलाइन. अब मैंने जो कलर बनाया है मैं उसको साइड से रख देती हूँ. फर्स्ट हम ब्रश में थोड़ा सा कलर लेंगे और क्या करेंगे, आउटलाइन किए. फर्स्ट आप धीरे धीरे आप ब्रश से पहले फिगर को आउटलाइन करें. इसे मुझे ब्लू कलर इसकी कैप में फिल करना है इसलिए मैं ब्लू कलर फर्स्ट आउटलाइन इस तरीके से करना है कि आपका कलर बाहर ना निकले. बहुत ही सावधानी से आपको कलर फिल करने हैं क्योंकि वाटर कलर है.
फैल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपने कलर्स को फिल करना है। धीरे धीरे मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ, आप भी मेरी तरह मेरे साथ साथ अपनी ड्राइंग फिल करते जाएं। इस कलर को इस तरीके से इवनली हम पूरी कैप में इस कलर को फिल कर रहे हैं। बीच बीच में हम थोड़ा सा पानी यूज करते रहेंगे ताकि हमारा कलर थिक ना हो जाए। फर्स्ट आपको आउटलाइन करनी है। फर्स्ट क्या करना है आपको, आउटलाइन कलर करने से, कलर फिल करने से पहले आपको उस एरिया का जो आप जिस एरिया में हम कलर फिल कर रहे हैं उस एरिया को पहले आपको आउटलाइन करना होगा। आपका अगर कलर कम पड़ जाता है तो आप कलर दोबारा बना सकते हैं। फटाफट से आप इतनी गैप अपनी भी फिल कर लें। बी केयरफुल वाई फिलिंग कलर। कलर भरते समय आपको बहुत सावधानी से कलर फिल करने हैं। अब हम इस कैप को पूरा ब्लू कलर से इस कलर से फिल कर लेंगे अच्छे से। फर्स्ट आप आउटलाइन करेंगे, देन इस एरिया को कंप्लीट फिल कर लेंगे। हमारी कैप कंप्लीट हो गई, ये एरियाज रह गए हैं उनको और फिल कर लेते हैं। अगर आपको ये शेड अच्छा ना लग रहा हो तो आप सेम एज इट इज ये शेड भी बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है सब जगह पूरे एरिया में, जिस एरिया में आप इस कलर को फिल कर रहे हैं इवनली वो कलर फिल हो जाए। मेरा ये कलर फिल हो गया। नेक्स्ट ये कौन सा कलर है, रेड कलर। हम रेड कलर लेंगे तो आप सभी फटाफट से अपने पोस्टर कलर्स ओपन कीजिए और उसमें से रेड कलर निकाल लीजिए। टेक सम रेड कलर एंड फिल इन इट। आपको बहुत ही कम कलर लेना होता है, ज्यादा कलर लेने की कोई नीड नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं ना किस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको घर पर खुद फिल करना है। और ज्यादा जल्दी में फिल नहीं करना है, धीरे 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 आपको अपनी पेंटिंग फिल करनी है। नेक्स्ट कलर है ब्राउन। ये कौन सा कलर है, ब्राउन। अब आपके पोस्टर कलर में ब्राउन कलर तो होगा नहीं, तो ब्राउन कलर बनाने का एक तरीका होता है। ब्राउन कलर आप कैसे बना सकते हैं, मिक्स रेड ब्लू एंड येलो। आपको रेड येलो और ब्लू कलर मिक्स करना है, तो मैं आपके सामने ब्राउन कलर बनाकर दिखाती हूँ। इसी प्लेट में बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम क्या लेंगे, रेड कलर, एक रेड कलर, रेड कलर लिया हमने थोड़ा सा। Then, ब्लू कलर, फर्स्ट टेक येलो कलर, रेड येलो, येलो कलर मिक्स कर दिया। देन टेक लिटिल ब्लू कलर, थोड़ा सा ब्लू कलर लिया। और आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा कलर बन गया, ब्राउन कलर। कौन सा, ब्राउन कलर। दिस इज रिक्वायर्ड ब्राउन कलर। कौन सा कलर है, ये ब्राउन कलर। इस तरीके से आप पोस्टर कलर में रेड येलो एंड ब्लू कलर से ब्राउन कलर बना सकते हैं। अब हम ब्राउन कलर फिल करते हैं। जस्ट फर्स्ट स्टेप है आपको आउटलाइन करनी है। क्या करनी है, आउटलाइन। पहले हम इस फिगर जिस एरिया में हमें इस कलर को फिल करना है पहले उस एरिया को उस कलर से आउटलाइन कर लेंगे।
देख रहे हैं ना किस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ, इसी तरीके से सेम एज इट इज आपको अपने कप पर खुद फिल करना है। ये कौन सा कलर हो गया आपका? ब्राउन कलर। कौन सा कलर हो गया? ब्राउन कलर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज स्किन कलर। कैसा कलर है ये? अब स्किन कलर कैसे बनाया जाता है? स्किन कलर बनाने के लिए ऑरेंज में हम व्हाइट मिक्स कर देते हैं। अब ऑरेंज भी नहीं पता होगा आपको ऑरेंज कैसे बनता है, तो ऑरेंज के लिए हम ऑरेंज कलर बनाने के लिए हम थोड़ा सा रेड कलर लेंगे। और आप इस जो कलर बना रहे हैं वो अपनी ड्राइंग पर रखकर ना बनाए, वो तो मुझे आपको शो करना है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं इस तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, वरना आप साइड से कलर को बनाए। थोड़ा सा हमने रेड कलर लिया, देन हम इसमें येलो कलर ऐड करेंगे। टेक योर येलो कलर एंड देन ऐड इट टू रेड। रेड में हमने ऐड कर दिया। अब आपको ये कौन सा कलर दिख रहा है? ऑरेंज कलर दिख रहा है ना? दिस इज ऑरेंज कलर। अब हम इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड करेंगे। कौन सा कलर ऐड करेंगे? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर हमें तब तक ऐड करना है जब तक हमें स्किन कलर ना मिल जाए। नाउ दिस इज योर स्किन कलर। कौन सा कलर बन गया ये आपका? स्किन कलर। आप देख सकते हैं कौन सा कलर है ये? स्किन कलर। हमने रेड येलो और व्हाइट को मिक्स करा और कौन सा कलर बना लिया? स्किन कलर। देख लीजिए, अब हम इसके फेस में स्किन कलर फिल करेंगे। फर्स्ट स्टेप वही है, फर्स्ट वी विल आउटलाइन। हम क्या करेंगे? आउटलाइन। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी के साथ, वाटर के साथ हम इस कलर को फिल करेंगे। ध्यान रखना है कि इसकी आईज में कलर ना जाए। देखिए मैंने किस तरीके से इसको स्किन कलर यहाँ पर फिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट कलर है हमारा वॉलेट कलर। वॉलेट कलर कैसे बनाते हैं? रेड प्लस ब्लू। वॉलेट कलर कैसे बनाते हैं? रेड प्लस ब्लू। ये पोस्टर कलर में से रेड कलर लीजिए एंड ब्लू कलर, और आपको उनको क्या करना है? मिक्स करना है। टेक लिटिल रेड कलर एंड ब्लू कलर। रेड कलर लिया, फिर हम ब्लू कलर लिया। ये हमारा बन गया पर्पल कलर। बट आप फिगर में देख सकते हैं हमें थोड़ा सा लाइट कलर फिल करना है। लाइट वॉलेट कलर फिल करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें वाइट कलर ऐड करेंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है कि वाइट कलर में अपना ब्रश डिप करने से पहले आप अपने ब्रश को वॉश कर लेंगे। देन ये बन गया हमारा लाइट वॉलेट कलर। हमने थोड़ा सा इसमें वॉलेट कलर में वाइट कलर मिक्स कर दिया और हमारा लाइट वॉलेट कलर बन गया। अब हम इसको जहाँ पर हमें फिल करना है वहाँ हम फिल करेंगे। फर्स्ट आउटलाइन, आउटलाइन करेंगे धीरे धीरे। आपको मैंने आपको बताया है वाटर कलर फिल करना। वाटर कलर फिल करते समय हमें बहुत सावधानी से उन कलर्स को फिल करना चाहिए कि हमारे कलर्स बाहर ना निकले। मैंने पहले इस कलर, अब हमने इस कलर को फिल कर लिया। अब इसी तरीके से आपको अपनी पूरी ड्राइंग जो अभी कलर रह गए हैं उन कलर को आपको फिल करके इस पिक्चर को सुंदर से अच्छे से तैयार कर लेना है, और उसी तरीके से फिल करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। फर्स्ट आउटलाइन करिए फिगर को उसी कलर से, देन उस कलर को फिल करिए। जब आप अपनी पूरी ड्राइंग फिल कर लें, पूरी पिक्चर को फिल कर लें, देन ब्लैंक स्केच कर लीजिए। स्केच से आपको जब आपका कलर सूख जाए, इस ब्लैंक स्केच से आपको इस फिगर की आउटलाइन भी करनी है। इस
तरीके से मैं आउटलाइन कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इस फिगर की आउटलाइन करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए आउटलाइन करने के बाद आपकी जो पिक्चर और सुंदर लगेगी। लग रही है ना सुंदर? पहले इतनी अच्छी नहीं लग रही थी कलर करने के बाद, और जब हमने आउटलाइन कर दी तो उस पिक्चर को एक शेप मिल गई और कितनी सुंदर लग रही है। आपको आउटलाइन जब आपकी पिक्चर गीली हो तब आपको आउटलाइन नहीं करनी है। पहले थोड़ी देर उस पिक्चर को सूखने दें, फिर आपको आउटलाइन करनी है। आज का होमवर्क है कि आपको ड्राइंग में पेज नंबर 3 फिल करना है।